शेमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्लाइट कितनी भी देर से आए लेकिन रियाज करते करते पता ही नहीं चलता टाइम कब कट जाता है ना। सुर दीजिए। मैडम मुझे मैगजीन दो ना। मैगजीन? अरे संजू पहचाना? हाँ। अरे जीते रहे नहीं, थोड़ा लेस बन रहा था। अच्छा अच्छा, क्या हाल है बेटा? बढ़िया, सब मस्त, एकदम पाव भाजी जैसा। और क्या चल रहा है, यहाँ पे कैसे आना हुआ? मैं एक्चुअली जा रहा हूँ अमेरिका। क्या हो गया? कुछ नहीं, आँख में कुछ। अरे एक मिनट, ये लो। क्या? कोई भी ऐसा विश मांगो अब। अरे नहीं नहीं, मैं ये सब, मुझे कोई विश नहीं चाहिए। अरे रुको, फिर मैं मांग लेता हूँ, मेरे को विश की बहुत जरूरत है। क्या विश मांगा? एक्चुअली ऐसा विश बोलने का नहीं रहता है, लेकिन मैंने ये विश मांगा कि आप मुझे गाना सिखाओगे। तो मुझसे ही कह देता पगले। ठीक है, सिखाऊंगी। सिखाओगे? हाँ। या, यस। लेकिन गाना सीखने से पहले फिट रहना जरूरी है। हाँ। मतलब एक्सरसाइज करनी चाहिए। हाँ? मेरा पूरा चालू है। नहीं नहीं, अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम मतलब? जैसे सांस अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अरे यार दीदी बस करो, ये अंदर बाहर करके मैं परेशान हो गया। दूसरा कुछ बोलो। हाँ सिंपल बता देती हूँ। हाँ। लेकिन तुझे पता है गाने के लिए बहुत तैयारी की जरूरत होती है। हाँ, तैयारी तो है, पूरा तैयारी मैं करके बैठा हूँ। क्या? मैंने जगजीत का पूरा कलेक्शन लिया है, 12 सीरीज का, 6 वॉल्यूम है। सोनू का भी सब कलेक्शन लेके रखा है, और हेडफोन खरीद लिए 6 पैर, और माइक खरीदे 12, और दिन रात में कार में FM भी सुन रहा हूँ। तैयारी पूरा है। ये तैयारी की बात नहीं कर रही। अच्छा छोड़, ठीक है, मैं तुझे कुछ गा के बताती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ हो जाए, गाना हो जाए। बता कौन से नोट से शुरू करूं? आप एक काम करो, 1000 के नोट से चालू करो पहले। अरे बेटा वो वाला नोट नहीं। दे दर दू क्या? कैसी बातें कर रहे, चुप कर। अरे दुदू जक्षी ना समझ के रखो ना आप। ये लो, शर्माओ मत, रखो आप। अरे दे ही रहा है तो रख लेती हूँ। अच्छा एक बात बता। क्या? मैं यहाँ पे हूँ, तुझे किसने बताया? ये अपने पंटर लोग ने बोला है। पंटर मतलब? क्या बोल दिया मैंने? पंटर मतलब फ्रेंड। कौन फ्रेंड्स? ए वाजिद साजिद। अरे वाजिद साजिद? हाँ। मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। अच्छा, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं उन्हें। अच्छे बच्चे हैं दोनों। अच्छा, वो तो है। मुझे आज भी याद है। क्या? एक बार साजिद ने कहा वाजिद से कि भैया घर में कॉकरोच बढ़ गए हैं, आते आते पाउडर ले आना। तो वाजिद साजिद से कहा नहीं नहीं, आज पाउडर दे रहे हो, कल को डिओड्रेंट मांग लिया तो। अरे ये दोनों बहुत अच्छे हैं, साजिद दाम में वाजिद गाने। अच्छा तू बता, तूने कुछ सीखा? हाँ मैंने बहुत सीखा हुआ है। मैंने क्लासिकल, हिप हॉप, रॉक बॉटम, बेल बॉटम, बाद में बहुत जॉनर किया, बहुत ज्यादा। अच्छा तो क्लासिकल सुना बेटा कोई राग? मैं क्लासिकल राग नहीं सुनाऊंगा। एक्चुअली मेरे जो गुरुजी रहे हैं वो सब दुबई से रहे, और उन्होंने मुझे बहुत सारे राग पट्टी सिखाए, तो मैं आपके सामने एक छगन राग बोल रहा हूँ। तो मैंने कोई, अच्छा कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं सुनाती हूँ। हाँ आप पहले सीनियर हो। हाँ प्लीज। अच्छा सुन, मैं गाती हूँ, सबसे पहले
सोलो हाँ ठीक है मैं गा रही हूँ सोलो एज यू विश अरे संजू अरे क्या हो गया बेटा तू सो रहा है अरे आप ही ने तो बोला मैं गाती हूँ तुम सोलो अरे मैं सोलो गाने की चल छोड़ मैं तुझे सिखाती हूँ हाँ मैं गाती हूँ हाँ? तो मेरे पीछे गा रहा हाँ प्लीज प्लीज चल दादा सुनते सा रे सा कहाँ गया इधर हूँ इधर पीछे क्या कर रहे तू आप ही ने तो बोला मैं गाती हूँ तुम पीछे से गाओ मेरा मतलब है आगे रहकर पीछे से गा ओ आगे रहकर आगे रहकर पीछे से कैसा गाएगा कोई एक काम करो आप बीच में से गाओ मैं इधर बैठ के सुनता हूँ ठीक है मतलब मैं जो बोल रही हूँ उसे रिपीट करना अच्छा रिपीट रिपीट हाँ सारे गामा दादा बड़ी भूख लगी है अरे ये अंडा ही खा लेती हूँ ये फूटे नहीं रहा अरे वाह मेरे हाथ में आके अंडा भी म्यूजिकल हो गया छन 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 वैसे दादा एक बात बताओ हम लोग कितने दिन से एयरपोर्ट पे बैठे हैं लेकिन एक भी बड़ा सेलिब्रिटी नहीं मिला मैंने सुना था कि एक से एक बढ़कर शाहरुख आता है और बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं लेकिन मुझे तो एक भी नहीं मिला आज तक पता नहीं क्या चक्कर क्या है अरे अरे अमित जी हाथ एक बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए अरे कैसे हैं आप बहुत बढ़िया बैठ जाइए विराजमान हो जाइए आप भी बैठिए कैसे हैं आप बहुत बढ़िया आप कहाँ के लिए जा रहे हैं आप अरे मैं तो बस ऐसी थोड़ा सा हॉलिडे पे निकली थी ग्रीस सोचा हुआ ग्रीस ग्रीस क्यों जा रही हैं देखिए मैं आपको सलाह दूंगा कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में ये गुजरात का प्लान है बहुत ही बढ़िया आपको मजा आए ये 12 नाइट्स 13 डेज अरे नहीं 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 भाई गुजरात में बहुत गर्मी है आजकल तो अरे गर्मी के लिए भी हमारे पास है ये ठंडा ठंडा कूल कूल तेल रावत रतन तेल नहीं नहीं मुझे तेल नहीं चाहिए मैं ऐसे ही ठीक हूँ मेरे बाल देखे ऐसे ही लंबे हैं ठंडा हो जाएगा सब कुछ नहीं 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 ठंडा नहीं चाहिए आप एक काम कीजिए सबसे बेस्ट और टिकाऊ ऑप्शन आप पंजाब चले जाइए नहीं नहीं पंजाब वैसे तो अच्छा है लेकिन उसका भाई खाना वहाँ का बहुत तीखा है मेरा गला जलता है तीखे के लिए हमारे पास सबसे बढ़िया कुछ मीठा हो जाए ये मीठा तो आपको खाना ही पड़ेगा वैसे दीदी आपके साथ कोई बच्चा उच्चा ट्रैवल कर रहा है क्या नहीं बच्चा तो नहीं है क्यों क्योंकि अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसको ये दो बूंद जिंदगी के स्वरूप लाए और इस देश को बचाइए वो तो ठीक है वैसे बच्चे से मुझे याद आया अभिषेक कैसा है नो आइडिया नो आइडिया और ऐश ऐश बहुत मस्त क्या शी इज वेरी नाइस अच्छा अच्छा और वो छोटी छोटी तो आजकल चलना सीख रही है अरे नहीं 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 मैं वो छोटी बच्ची आपकी पोती की बात नहीं कर रही मैं तो जया जी की बात कर रही हूँ अगेन नो आइडिया वैसे आपके घर पे सब कुशल मंगल सब सब अच्छे हैं हमारी भी समृद्ध परिवार है आपका जी जी हमारी भी ऊपर वाले की दया से जॉइंट फैमिली है आपकी जॉइंट फैमिली है जी सब देखिए मेरे पास मैं थोड़ा इंश्योरेंस का भी करता हूँ अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपको एक स्कीम सुना देता हूँ नहीं 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 मुझे इंश्योरेंस नहीं चाहिए धन्यवाद एक्चुअली मेरे पास थोड़ा सा वक्त बचता है तो मैं ये छोटे मोटे काम कर लेता झूठ क्यों बोल रहे हैं आप हर तरफ तो आप छाए हुए हैं फिल्मों में भी आप एड्स में भी आप भाई गानों में भी आप और टीवी रियलिटी शोज में भी आप हर जगह तो बस तेरा ही जलवा
मुझे तो डर लगता है कि कहीं आप शॉर्ट्स पहनकर एफटीवी में ना चले जाए मॉडलिंग करने। अरे क्या कह दिया आपने? वैसे दीदी, ये एफटीवी में आपकी कोई पहचान है? नहीं नहीं, थोड़ा कमर्शियल डिस्कस कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कोई हर्ज नहीं है, थोड़ा सा एक मिनट। ये फोन जो है, नमस्कार, बताइए किस प्रकार की सहायता कर सकते हैं हम आपकी? है मैनेजर? अरे पहले उस मैनेजर का नंबर लेके आओ जिसने मेरे बाप के हाथ पे लिख दिया कि तुम्हारा बाप चोर है। उस मैनेजर का नंबर लेके आओ जिसने मेरे भाई को धक्के मार के अपने नौकरी से हटा दिया। उस मैनेजर का नंबर लेके आओ जिसने मेरी बाप को धक्के मार के मेरे घर से मार। और जिस दिन आपको उस मैनेजर के साइन मिल जाए मुझे वापस फोन कीजिए। कॉल करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद शुभ्रा। दरअसल वो थोड़ा मैं सेट टॉप बॉक्स का भी काम संभाल लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, उसके लिए फोन आता है। हाँ लेकिन मेरे पास तो है पहले से ही, और वैसे भी आजकल तो मॉडर्न जमाना है, दुनिया हाई टेक हो गई, तो मैं तो मोबाइल में ही सब देख लेती हूँ। मोबाइल यूज करती हैं आप? हाँ। अभिषेक मोबाइल का कर रहा है, बहुत बढ़िया करता है। 3G की बहुत अच्छी अच्छी स्कीम्स है उसके पास, मैं अभी फोन दिला देता हूँ। नहीं आप सुन लीजिए थोड़ा सा प्लीज। वैसे अमित जी एक बात कहूँ? जी जी प्लीज फरमाइए प्लीज। वैसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन आप मुझे थोड़ा बोर कर रहे हैं। हाँ। आप बोर हो गई? जी रियली? जी। अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, आप बैठ जाइए। प्लीज मोहतरमा देखिए, आप मुझे गलत मत समझिए, आप डरिएगा नहीं, आप मुझे पहले बता दीजिए कि आप बोर हो रही है। आपके लिए एक उम्दा मनोरंजन का पैकेज है मेरे पास। कैसा पैकेज? आइए आप और मैं मिलके खेलते हैं कौन बनेगा। देखिए इसकी एक शर्त है कि इस गेम को खिलाने के हम 7 रुपए पर मिनट। नहीं लेकिन मेरे पास तो छुट्टा है। पैकेज ऐसा है, कोई बात नहीं, क्रेडिट पे खेल लीजिए, हम आपके घर आके पैसे लेंगे। अरे लेकिन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है देश की सुर कोकिला, कोकिला बेन, एक आकांक्षा भरी हुई और महत्वाकांक्षा परिवार समृद्ध पहली सदस्य। प्लीज आइए विराजमान हो जाइए इस हॉट सीट पर प्लीज। Number 8145 to Mumbai is delayed by 3 hours due to engine problems. लो, flight और 3 घंटे लेट हो गई। दादा, सुर देना, थोड़ा रियाज़ ही कर लेते हैं। चुपड़ी चुपड़ी चाची, चुपड़ी चुपड़ी चाची। दादा ठीक गा रही हूँ ना? हेलो चाची। अरे चाची नहीं, दीदी हूँ मैं। चाची दीदी एक ही होता है। कौन हो तुम बेटा? छिलका सिंह। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे कोई छिलका विलका सिंह नहीं, सिर्फ दीदी सिंह। आप समझी नहीं, मैं हूँ छिलका सिंह 200 मीटर। अरे देखने में तो 600 मीटर लग रहा है। यू आर टेकिंग मी रॉन्ग, मैं फरहान हूँ, मुझे पहचानो फरहान। अच्छा बेटा माफ करना, नहीं पहचाना। इसे बताऊँ मैं दीदी? अरे मैं फरहान हूँ, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर, सिंगर एंड फिलैंथ्रोपिस्ट। ये कब से? 3 सालों से। तो बेटा इलाज क्यों नहीं करवाया इतनी बड़ी बीमारी? आप समझ नहीं रहे हो, मैं जावेद जी का बेटा हूँ। अच्छा? हाँ। अरे जावेद आफरी का लड़का इतना बड़ा हो गया? वक्त कितनी जल्दी आगे बढ़ता है। ओ हेलो, जावेद आफरी नहीं, अरे मैं वो जावेद जी का बेटा हूँ। मंजिया है तो फासले, फासले है तो रास्ते, रास्ते है तो हौसले, हौसले है तो भोसले, और भोसले है तो आशा। आशा के ऊपर तो पूरी दुनिया का है, मैं और दुनिया का जहाँ तक ऐसा वो 1.5 घंटे तक बोल सकते। समझ गई। अरे वही ना, जो लोगों को बहुत ज्यादा गीला शिकवा करते हैं। वैसे
यहाँ क्या कर रहा है एयरपोर्ट पे? बस ऐसे जीते रहे जीते रहे जीते रहे नहीं हाँ। जूते रहे, मैं लेट डाल। कहाँ की फ्लाइट है तुम्हारी? मैं अमेरिका जा रहा हूँ। अच्छा या। अरे मैं भी वही जा रही हूँ। अच्छा हाँ, मेरा कॉन्सर्ट है ये देख मेरे म्यूजिशियन दादा। ओह हाय, हाउ आर यू डूइंग? गुड। तू भी आना सुनने? नहीं मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं अमेरिका 2020 में पहुंचूंगा। ऐसा क्यों? मैं भाग के जा रहा हूँ। दीदी हा? वैसे आज मुझे आप मिल ही गए तो मुझे कुछ सिखाई दो यार। क्या सीखेगा? मुझे मार्शल आर्ट सिखाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे मार्शल आर्ट्स नहीं, मुझे तो सिर्फ फाइन आर्ट्स आता है, मतलब म्यूजिक। ऑब्वियसली मुझे म्यूजिक ही सिखाओगे ना, मार्शल आर्ट्स आप क्यों सिखाओगे? कम ऑन। लेकिन बेटा तो पहले से ही गाता है। हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, ऐसे मेरे पिताजी मुझे कहते। दैट्स व्हाई आई नीड टू टोन डाउन अ बिट। तो आप मुझे करा दीजिए टोन डाउन। जावेद तो कुछ भी कहते हैं। हाँ जावेद जी कुछ भी बोलते। थोड़े दिन पहले की बात है, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि जावेद जी मुझे रॉक ऑन के लिए कोई गाना चाहिए। तो मुझे कहने लगा बेटा रॉक ऑन रॉक ऑन रॉक ऑन रॉक ऑन रॉक ऑन बन गया गाना, व्हाट इज नॉनसेंस। फिर मैं उनके पास गया भाग मिल्खा भाग के लिए, मैंने कहा मुझे भाग मिल्खा भाग के लिए कोई गाना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा भाग मिल्खा भाग भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग मिल्खा भाग कोई गाना हुआ नॉनसेंस। वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं। वैसे बेटा एक बात बताऊं, गाने के लिए रियाज की जरूरत पड़ती है। नहीं 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 रियाज से बात नहीं हो पाएगी, श्रेयस इज माय बेस्ट फ्रेंड, मैं उससे बात कर लेता। रियाज मतलब प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ओह प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो मैं रोज करता हूँ। शाबाश क्या बात है। कितनी देर प्रैक्टिस करता है? मैं 30 seconds प्रैक्टिस करता हूँ। 30 seconds क्यों? उसके बाद माइक खराब हो जाता है। अच्छा मुझे भी सुना, ऐसा क्या गाता है जिससे माइक खराब होता है? पक्का आप सुना चाहते हो? हाँ। तो मुझे पहले वार्म अप करने दो। हाँ। दरा स्केल देना। थोड़ा थोड़ा भाग भाग सा, 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 वक्त ही शक्ति है थोड़ा थोड़ा। दर्द हो रहा है बेटा, फिर तूने गला साफ तो किया ही नहीं। मैं रोज सुबह ब्रश करता हूँ ना गला साफ करने के। तो बेटा कभी झाड़ू ट्राई कर। झाड़ू? अच्छा छोड़, देखिए गाना है ना, मैं गाती हूँ, ध्यान से सुनना प्लीज प्लीज। दादा सर भजनी ठेका